नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-2022 के क्रियान्वयन में एक गंभीर चूक को लेकर के राष्ट्रीय राजधानी के पूर्व आबकारी आयुक्त आर गोपी कृष्णन और उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी सहित 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के दैनिक स्कैडर के 3 तदर्थ अधिकारियों और 6 अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। उपराज्यपाल ने आबकारी नीति के क्रियान्वयन में संबंधित अधिकारियों की ओर से की गई कथित चूक को देखते हुए ये निर्णय लिया है, जिसमें निविदा को अंतिम रूप देने, अनियमितताओं और चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर लाभ प्रदान करना शामिल है। उपराज्यपाल सक्सेना ने सतर्कता निर्देशालय यानी के DOV की ओर से दायर एक जांच रिपोर्ट के आधार पे ये कार्रवाई की है। उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI से जांच कराने की सिफारिश पहले ही कर दी हुई है। 17 नवंबर 2021 को लागू की गई नई आबकारी नीति के तहत 32 क्षेत्रों में विभाजित शहर की 849 शराब की दुकानों के लिए निजी फर्मों को खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लीडरशिप वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को यानी कि आज पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर अनाधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के मामले में अपना रुख बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसके कारण उनकी सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। सिसोदिया ने दिल्ली में एक प्रेस मीट भी किया, उसमें उन्होंने कहा कि इस मामले में जुड़ी जानकारी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को भेज दी गई है और मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। बैजल ने इस मामले में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपना कमेंट उन्होंने अभी अपने जेब में ही रखा हुआ है। और सिसोदिया ने यह भी कहा कि नई आबकारी नीति के तहत अनाधिकृत क्षेत्रों समेत पूरी दिल्ली में 849 दुकानें खोली जानी थी और तत्कालीन उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, इसे मंजूरी दे दी। ये भी उन्होंने कहा कि नीति लागू होने से 2 दिन पहले पिछले साल 15 नवंबर को तत्कालीन उपराज्यपाल ने अपना रुख बदल दिया और शर्त लगा दी कि अनाधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि तत्कालीन उपराज्यपाल के रुख में बदलाव के कारण अनाधिकृत क्षेत्रों में दुकानें नहीं खोली जा सके, ये उनका कहना है, जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू का लॉस हुआ है और जो दुकानें खोली गई थी उन्होंने काफी कमाई की है। अच्छा, सिसोदिया ने एक मांग भी की है। उन्होंने ये कहा है कि उस समय बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल थे, इस नीति को 17 नवंबर 2021 को लागू किया गया था और सरकार ने ये नीति वापस ले ली है। अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं वह, और 1 सितंबर से अपने उपक्रमों के माध्यम से पुरानी आबकारी व्यवस्था के तहत शराब की दुकानें संचालित करने की तैयारी कर रही है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि बैजल ने अपना रुख क्यों बदला। वो इसी बात पे अटके हुए हैं कि बैजल ने अपना जो टेक था उसे उन्होंने क्यों चेंज किया, जिससे कुछ लोगों को लाभ हुआ और सरकार को नुकसान हुआ। तो दोस्तों, ये जो सस्पेंशन हुआ है इससे आम आदमी पार्टी को बड़ी तकलीफ हो रही है। वो बार बार इस बात पे एडमेंट है, यही कह रहे हैं कि उन्होंने इन सब चीजों में लापरवाही की है। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, तभी मैं जान पाऊंगी कि आपको मेरी स्टोरीज कैसी लग रही हैं।
फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।